हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी फेवरेट स्विंग मशीन के बारे में। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, आप अपनी स्विंग मशीन के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए क्योंकि हमें भी स्विंग मशीन मंगवानी है। उन्हीं की रिक्वेस्ट के कारण मैंने आज इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही अच्छी मशीन है, ला करके 5 साल हो गए हैं। यहाँ पर तरह तरह के स्टिच है, देखिए स्ट्रेट है, साइड की है, जिगजैग है और भी तरह तरह की है। एम्ब्रॉयडरी के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 3 लाल कलर में आपको दिख रहे हैं, यह बटन और काज के लिए यूज़ किया जाता है। यह देखिए इसका नाम है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और यह जो रिंग टाइप है जो है 4, मतलब जो धागे को बड़ा छोटा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये रिवर्स के लिए है, आगे पीछे मशीन को चलाने के लिए है। और यहाँ पर ये जो रिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर ये धागे को ढीला और टाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर टाइट होता है, ढीला होता है, उस हिसाब से यहाँ पर करना है। यह बॉबिन को भरने के लिए, मतलब बॉबिन के अंदर धागा भरने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छी मशीन है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा राउंडिंग है, हैंडल है जो इसे थोड़ा थोड़ा घुमा सकते हैं। और यहाँ पर जो है स्विच का बटन यहाँ पर है और यहाँ पर आप स्विच डाल सकते हैं। और ये देखिए इसका फुट है, तो इसका यूज़ करके ही आप इस मशीन को चला सकते हैं। मतलब बिना लाइट के इस मशीन को आप नहीं चला सकते हो, लाइट की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखिए ये फुट होगा, यहाँ पर पैर रख करके आपको मशीन को चला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मशीन है। अब मैं आपको बता देती हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है और यहाँ पर इसे किस तरीके से ओपन करते हैं। बहुत ही ईजी और स्मार्ट ये जो स्विंग मशीन है, इस तरीके से हम इसे खोल सकते हैं। और यहाँ पर है बॉबिन के लिए, धागा डालने के लिए है। देखिए यहाँ पर हम बॉबिन को डाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इस बॉक्स के अंदर क्या है। इस मशीन का क्लीन जो मैं है खुद कर देती हूँ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर है जो इसके साथ मुझे मिला था, 5 तरह के फुट और कुछ क्लीनर, मतलब जो भी है। तो ये सब इसके अंदर है। ये थ्रेड तो मैं अलग से लाई थी पिको के लिए, इस तरह का थ्रेड होता है, यह होल्डर होता है थ्रेड को रोकने के लिए, गट्टी को रोकने के लिए। और ये फुट हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फुट हैं। तो मैं इन सारे फुट का यूज़ करके भी मैं आपको बता दूँगी। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात कहती हूँ, अगर आप ये स्विंग मशीन मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ जाकर के एक बार जरूर चेकआउट कर दीजिए। मशीन का प्राइस ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। मैंने जब लिया था तब ये न्यू लॉन्च हुई थी, इसका प्राइस 8,000 से 9,000 का के बीच में था। तो अब शायद इसका कम हो गया है क्योंकि बाद को 5 साल हो गए हैं। तो आप ये मशीन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्विंग मशीन है। यह देखिए जो है नट बोल्ट खोलने के लिए इस पेज का यूज़ किया जाता है, ये इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो अब आपको और किस तरह का जो वीडियो पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए उस तरह का वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। इस मशीन से आप छोटी मोटी एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। मैं आपको सारा जो इस फुट का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, पर आपके कमेंट करने के बाद। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और जिसे स्विंग मशीन मंगवानी है तो उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।